फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज हम सभी एस्टेट द्वारा ली गई री एग्जामिनेशन, जो कि 26 फरवरी 2020 को लिया गया था और जिसका सेंटर पटना में था, तो उसके मैथमेटिक्स के 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले हमने एक से 50 तक के पैडागोगी वाले सभी क्वेश्चनों को देखा है और उसके बाद 51 से 100 तक के मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चनों को देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोग के लिए एक मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें आप कोई भी प्रश्न में डाउट हो रहा हो तो उस मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें, जहाँ पर आप लोग को प्रतिदिन सेट वाइज क्वेश्चन भी आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 101 से लेकर 150 तक के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। तो 101 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान हम ज्ञात कर लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी हो जाएगा। 10th का क्वेश्चन है, आसान है। 102 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो इसका मान होगा 23। हम लोग इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, निम्न चित्र में कोण ए ज्ञात करें, जिसमें को आपको दे रखा है, चित्र बना रखा है जिसमें कोण ए का आपको मान प्राप्त करना है। तो कोण ए जो हमारा होगा वो क्या होगा? तो ये लंब और आधार हमारे पास दिए हुए हैं, हमारे पास एक लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है। ये लंब है, ये आधार है, तो जिससे हम लोग टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। थीटा का मान उसे आराम से निकाल लीजिएगा, इसका मान आएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 62 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 28 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 28 जो है, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 62 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 62 डिग्री घट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी ए बराबर 30 डिग्री है और ए बी जो बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान ज्ञात करने थे। ये भी जो हमारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन है, तो आसानी से हम ज्ञात सकते हैं। आपको बी सी का मान ज्ञात करना है, लंब का मान आपको ज्ञात करना है, आपको इसका मान बाट ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, लंब बटा आधार टेन थीटा का मान होता है, तो बी सी बटा ए बी बराबर टेन थीटा, तो आपका मान आ जाएगा 3√3। सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं अगर आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 1/2 तथा कॉस बी बराबर 1/2 तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन ए बराबर 1/2 कब होता है? तो 45 डिग्री में होता है, और कॉस बी बराबर 1/2 ये भी 45 डिग्री में ही होता है, मतलब दोनों ए और बी का मान 45 45 90 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री बराबर क्या होगा? तो सेम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। तो कॉस 50 को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 40 लिख देंगे, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप कॉस साइन 40 हो जाएगा, साइन 40 से साइन 40 कट जाएगा, मतलब 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉस 40 डिग्री माइनस प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो इसका मान भी 0 होगा, ये भी साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा वाले सवाल पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है, उसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूर पर स्थित बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? मतलब हमारे पास एक टावर की ऊंचाई दे रखी है, तो टावर एक सीधा ऐसे लंबा होगा जिसकी ऊंचाई 100√3 है, और उसके बाद से हमारा 100 मीटर दूरी पर, यहाँ पर ये 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु से हमको क्या करना है, उन्नयन कोण खींचना है। मतलब ये उन्नयन कोण मतलब ये डिग्री का मान, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहिए तो आप जोड़ करके उससे पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। आसान है, 60 डिग्री इसका आंसर होगा, इसका आंसर 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, बिंदु पी
-5 और 3.3 स्थित है, तो कौन से इसमें है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि अगर x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में होता है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो गोलक का आयतन के बीच का अनुपात 64:27 है तो दोनों के त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, तो त्रिज्या का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात का अंडर रूट होता है, मतलब 64 का अंडर रूट 4 और 27 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, मतलब 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो 12 मीटर × 9 मीटर × 8 मीटर माप वाले कमरा में रखा जा सके, तो कमरा में जब भी अधिकतम लंबाई का कोई भी छड़ या पोल रखा जा रहा है तो उसकी लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो उस कमरे का विकर्ण ज्ञात कर लीजिए, और कमरे का विकर्ण जो होता है वो होता है √L² + B² / H² होता है, ठीक है, तो आप इस पे से ज्ञात कर सकते हैं, 12L का मान ले लीजिए, 9B का मान और H का मान 8 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 17 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उसके वक्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब वक्रपीठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु के वक्रपीठ का क्षेत्रफल होता है πRL, सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, L का मान आपको करना पड़ेगा ज्ञात, L का मान 5 और 12 से L का मान क्या हो जाएगा, L बराबर होता है √H² / R², सॉल्व कीजिएगा 13 आंसर आ जाएगा, आप करिएगा तो 65 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, बहुत आसान है, त्रिज्या दे रखी है आपके पास, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब पाई, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πR², तो पाई का मान 22/7 रखी, चाहे पाई का मान पाई रहने दीजिए, 7R का मान हो गया, मतलब 147 πcm³ हो गया, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है, यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा, उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा, प्रत्येक किनारे को दिया जाता है 2³ मतलब 8 हो जाएगा, 8 गुना। नेक्स्ट है, किसी बेलन का पार्श्व वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पार्श्व वक्रपृष्ठ का मतलब कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2R त्रिज्या वाले गोलक का आयतन क्या होगा, तो 2R त्रिज्या हो गया गोलक का जो आयतन होता है 4/3πR³ होता है, तो गोलक का आयतन आप R का मान 2R रख दीजिए, रख करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो 32πR²³/3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि गोले का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, गोले का आयतन मतलब 4/3πR³, आयतन मतलब 4/3πR³ हो जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4πR², ये दोनों कब बराबर होंगे, आर इस पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, और आर क्यूब से इसको काटेंगे तो आर बार में कटेगा, मतलब R/3 = 1 आ जाएगा, R/3 = 1 मतलब आर बराबर कितना हो गया 3, मतलब आर का मान कितना होगा 3 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा 3। सॉल्यूशन अच्छा चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन गलत है इसमें बताना है कि कौन सी गलत है, तो यहाँ हम देख रहे हैं खोखले गोले का आयतन जो होता है 4/3πR³ - R³ होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, और अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πR² होता है, मतलब तीनों तो सही है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πR² कभी नहीं होता, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πR² होता है, तो ये वाला हमारा डी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि cos a बराबर 4/5 तो tan a का मान बताएं, तो tan a बराबर क्या होता है, tan a लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, cos a मतलब 4/5 मतलब हमारा क्या हो गया आधार बटा कर्ण, तो आप ज्ञात कीजिएगा, लंब ज्ञात कीजिएगा 3 आएगा 3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मिलेगा आपको सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, यदि k प्लस 1 3k 4k प्लस 2 समांतर श्रेणी AP के लगातार 3 पद हो तो k का मान क्या होगा, तो k का मान आपको ज्ञात करना, लगातार 3 पद है तो फॉर्मूला हम जानते हैं, लगातार 3 पद होता है तो सर्वांतर बराबर होता है, मतलब d बराबर होता है, d बराबर क्या हो जाएगा t2 - t1 = t3 - t2, आप इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों का मान बराबर करके, और k का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो इसका k का मान कितना आएगा, तो 3 आएगा। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4
का तीसवा पद क्या होगा, तो हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसका तीसवा पद क्या होगा, माइनस का 77 होगा। आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, पद का ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला हमारा होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 15 है, 25 है, तो उसका 17वां पद क्या होगा, तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा पद मतलब a प्लस डी बराबर 13 और पांचवा पद मतलब a प्लस 4d बराबर 25, तो 17वां पद आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका मान होगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डैश 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 प्लस 181 बराबर कितना होगा, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आराम से। इसका कैसे निकलेगा, तो a का मान आपका क्या हो गया, इसमें a का मान हो गया हमारा a बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ये a का मान हो गया, tn का मान हो गया 181 हो गया, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है, तो आप सॉल्यूशन करके n का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। और d का मान कितना होगा, तो 13 में से 5 गया, तो 13 माइनस 5 कितना हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन होगा हमारा 2143। आप करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा आप जुड़ के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का विकर्ण है, विकर्ण से भुजा ज्ञात करेंगे, 10 आएगा, 10 से आप स्क्वायर कर दीजिएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाने पर, उसकी चौड़ाई 20% घटाने पर, आयत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो ये आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 20% बढ़ाने और घटाने पर क्या होगा, तो 4% की आपको कमी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 3√3/4 भुजा स्क्वायर होता है, उसे आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं भुजा का मान ज्ञात करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49π सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, तो परिधि आपको ज्ञात करनी है, तो आराम से कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का मान प्राप्त कीजिए और पाई का मान ज्ञात हो जाएगा, वो परिधि का मान ज्ञात हो जाएगा, परिधि बराबर 2πr होता है, तो 14π आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, तो उनकी परिधि का अनुपात कितना होगा, तो मैंने बोला भुजा का अनुपात उनके उनके वर्गमूल का अनुपात होता है, तो मतलब 4/9 है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3, तो 2:3 कितना हो गया, 3। नेक्स्ट है, एक किप संयोजन है, तो किप कैसा होता है, आपने देखा होगा उसमें दो शंकु बने होते हैं, कैसा, ऐसा ही ना होता है किप में एक ऊपर होता है और एक नीचे ऐसे बाल्टी टाइप का होता है, ऐसा ही किप होता है, तो किप में दो संयोजन होता है, वो छिन्नक के आकार का होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे जब जाइएगा तो यहाँ पर ऐसे करके नीचे की तरफ बेलनाकार पार्ट होता है, तो यहाँ नीचे बेलन हो गया और ऊपर हमारा क्या हो गया, शंकु वाला पार्ट हो गया, मतलब शंकु का छिन्नक हो गया, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, एक बेलन है और एक शंकु का क्या है, छिन्नक है। किप आपने देखा होगा, तेल वेल ढारते होंगे तो पता चल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए जो है वो 0 से छोटा है और बी भी 0 से छोटा है, तो बिंदु ए बी किस में स्थित होगा, तो दोनों का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में है, जब दोनों का मान माइनस में होगा तो कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। नेक्स्ट, बिंदु ए 2-3 और बी 2-2 के बीच की दूरी क्या है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला सब कोई आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, √(x2 − x1) का होल स्क्वायर प्लस √(y2 − y1) का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, यदि ए 4-2 बी 4-6-5 और सी 1-4 किसी एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, तो एडी एक माध्यिका है, तो डी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आएगा 7/2 9/2। सॉल्यूशन चाहिए आप उससे पूछिए, मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, यदि दो बिंदुओं ए 4P और बी 1,0 के बीच की दूरी 5 इकाई हो, तो आपको पी बराबर ±4 आपका इसका आंसर होगा, आपको क्या ज्ञात करनी है, तो पी का मान ज्ञात करना है, तो पी का मान हो जाएगा ±4 हो जाएगा। सॉल्यूशन चाहिए आप उससे जुड़ जाइए, चाहे आपको सॉल्यूशन नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x2 − x1 का होल स्क्वायर y2 − y1 का होल स्क्वायर पे आप कीजिएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदुएं ए 4,0 बी 4,0 और सी 0,3 किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज कौन सा होगा, तो हम लोग पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, ए बी बी सी ए सी तीनों का मान ज्ञात करेंगे, तो पता चलेगा कि दो बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है। नेक्स्ट 136 नंबर, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष दे रखा है ए बराबर 3, 0, बी बराबर 7.0 और सी बराबर 8.4 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जब आपको ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x2 - x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। तो आप सॉल्यूशन उसे कर सकते हैं आराम से, त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है आंकड़ों 7, 13, 6, 25, 18, 20, 16 का परास क्या होगा। तो परास जो होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा को घटा देंगे, परास हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा 6, सबसे बड़ा 25, तो घटा देंगे 25 में 6 = 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 220 होगा, बटा 2 से भाग देंगे तो 110 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 30 से 40, 40 से 50 की संख्या में संख्या 40 शामिल है, 40 किसमें शामिल होगा। तो 40 हमारा जो शामिल होगा वो किसमें होगा, वो 40 से 50 में शामिल होगा, क्योंकि ये वाले में हम इसको गिनती नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसमें शामिल है, 40 से 50 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसके माध्य में क्या होगा, 5 की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 5 के प्रत्येक आंकड़े में सब 5 को बढ़ाया जा रहा है तो उसके माध्य में भी 5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है log 2x²-4=5 हो तो x का मान ज्ञात करें, तो ये log वाला है, मतलब इंटरमीडिएट वाला सवाल है, तो इसका आंसर आएगा ±6 आएगा। सॉल्यूशन चाहिए आप जोड़ के मांग सकते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट है यदि f r से लेके r परिभाषित है तो fx बराबर x²-3x+2 से तब f(5) का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो 110 होगा। आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो उससे आप जोड़ के पहले आप 5 रख दीजिएगा तो 2 मान आएगा, दूसरे बार फिर जो मान आएगा उसको रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 143 नंबर, यदि log 2 बराबर 0.301 और log 3 बराबर 0.4771 हो तो log √24 का मान बताएं, तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। 24 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 8 × 3 = 24, मतलब 4 × 6 = 24, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2√ कितना हो जाएगा, 6, और log का 2 तो बाहर हो गया, log 2 का मान आपको दे रखा है √3, उसका करके सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0.69005 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कुएं को 20 श्रमिक 5 दिन में खोद लेते हैं, यदि कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिक को आधे दिन में खोदना है तो कितने श्रमिक होंगे, तो 5 दिन में 20 खोदते हैं तो पहले एक दिन का ज्ञात कीजिए, तब एक दिन में खोदने में कितने श्रमिक चाहिए, फिर उसके बाद आपको कहिए कि आधे दिन का ज्ञात कर लीजिए, तो आपको 200 श्रमिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपनी सामान्य दर से 3/4 चलने पर, 3/4 से चलने पर मनुष्य 1.5 घंटे विलंब हो जाता है, तो उसका समय क्या होगा। तो चाल हमारा जो है 3/4 क्या हो गया, घट गया है गुना, तो हमको 1.5 घंटा समय विलंब लग रहा है, तो समय सामान्य समय क्या होगा, तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4/4 = 1/2 घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट है एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचकर 20% हानि का वहन करता है, तो साइकिल को 20% लाभ कमाने के लिए उसे उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उसका आंसर होगा 675 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइकिल सवार 15 मीटर 20 मीटर और 25 मीटर की दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा के तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल ज्ञात करनी है, सभी की दूरी दे रखी है और सभी के लिए आपको चाल दे रखा है, तो औसत चाल आपको आराम से पहले समय ज्ञात करिएगा, तब औसत चाल आपको निकल जाएगी, टोटल समय निकाल लीजिएगा भाग दे करके, तो औसत चाल आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर 10% वस्त्र पर 18% मकान पर 7% अन्य पर खर्च करता है, तो परिवार की मासिक आय 4000 रुपये है, तो 7000 रुपये बचाने में उसे कितने महीने लगेंगे। तो पहले एक महीने का बचत बचा लीजिएगा कितना बच रहा है, तो 7000 बचाने में कितने बचत हो जाएंगे, तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 महिलाएँ किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, तो उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, और 5 महिलाएं 10 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा तो सॉल्यूशन मांगिएगा, मैं सॉल्यूशन इसका भेजूंगा, आंसर इसका होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 रुपये तथा 3 वर्ष में 4913 रुपये हो जाता है, तो वह राशि कितनी होगी, तो 4096 रुपये होगी। आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं आ रहा तो मुझे पूछिएगा, मैं बता दूंगा।
ठीक है, तो आज ही हमारा 150 क्वेश्चन जो है पूरा समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो भी मैथ से संबंधित जो भी आपके प्रॉब्लम रहेंगे उससे संबंधित मैं आपको बताते रहूँगा और आपको एस्टेट से संबंधित सारी जानकारियाँ भी देते रहूँगा। तो आज हम सभी ने एस्टेट के 1 से लेकर 150 सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।